यहाँ पे देखो सामने देखो कितनी सारी पतंगें कट के आ रही हैं। एक पतंग लाल वाली एकदम अपने सर के ऊपर है, तो अगर ये आती है हमारे पास, आपको दिखाता हूँ मैं, ये भाई नहीं 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 ये नहीं आएगी। तो ये देखो जो अभी पतंग लपेट रहा था ना बंदा, उसी की पतंग कटी यहाँ पे, ये पट्टीदार वाली। और यहाँ पे इसकी डोर कहाँ गई, ये देखो ये रही और अपने हाथ में आ गई। तो पतंग हमने पकड़ ली, उतार के दिखाते। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल काइट लवर ऑफिशियल। आज की वीडियो होने वाली काइट लूटिंग के ऊपर, क्योंकि मेरे सर के ऊपर ही देख लो यार, धमाकेदार काइट कटिंग हो रही है ऊपर। काइट फाइटिंग तो हो ही रही है, काइट कटिंग ज़्यादा हो रही है, और इसीलिए हम आज की वीडियो बना रहे हैं काइट लूटिंग के ऊपर। अब ये पतंग एकदम मेरे सर के ऊपर आ रही थी, जैसे वीडियो ऑन करी ना, ये लपेट के ले गया बंदा, छूट गई शायद इससे भी। तो पतंगबाजी तो आप देख ही सकते हैं, इतनी ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही ना कि कोई ना कोई पतंग तो कट के आएगी हमारी तरफ। तो जैसी आती है मैं आपको दिखाता हूँ लूट के। तो अभी आपने देखा जो पट्टीदार वाला बंदा था ना, जो पतंग लपेट रहा था, उसकी पतंग काट दी किसी ने, और देखो पीछे उस बंदे ने काटी है, और पतंग ये मेरे सर के ऊपर जा रही। इसकी डोर बहुत ज़्यादा है यार, इसमें डोर काफ़ी लंबी है, बस डोर हमें देखनी है कहाँ गई। पतंग सामने है डोर, ये देखो यहाँ से जा रही बराबर से ये रही डोर, और अपने हाथ में आ गई है। तो पतंग फाइनली हमने पकड़ ली है। ये बंदा दो तीन पतंगें लपेट के ले गया था अपने घर में, लेकिन एंड में इसी की पतंग किसी ने काट दी, पीछे से आई थी। और जैसा कि मुझे लग रहा पौनी पतंग, यहाँ पौनी है ये पतंग, लेकिन काफ़ी हल्की है। डोर देखो पीछे से उतारते हैं, इस पतंग को दिखाते हैं फिर आपको। अब पहली पतंग आप लोग के सामने ये लूट के दिखा दिए। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई काइट लूटने की वीडियो नहीं आ रही, इतना टाइम हो गया। अब तो वैसे काइट का सीजन ना चले गया बरेली में, तो वीडियो इसलिए मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है बनाता हूँ आप लोग के लिए। पतंग हमने पकड़ी है ये वाली पहली पट्टेदार, और दिखाता हूँ किस कारीगर की है। कारीगर का तो नाम नहीं है, लोकल है बरेल की, लेकिन मेरे मतलब की पतंग, मैं ऐसी हल्की पतंग ही उड़ाता हूँ। और मैं सामने दिखाऊँ, वहाँ पे हो रही है काइट फाइटिंग, क्लब काइट फाइटिंग, और पीछे बच्चे अच्छे उड़ा रहे, और मुझे ये क्लब वालों की पतंग लग रही है। अगर आप देखेंगे इसमें तो टेप वेप लगा है, मतलब पतंग कभी ये लड़ाई होगी किसी ने, उसके बाद ये किसी ने पकड़ी, अब वो बंदा पतंग लपेट रहा है इससे। एक और पेज लड़ता हुआ, और वो ले गया, नहीं नहीं छूट गया देखो। तो चलो भाई अपनी पतंग में फोकस करते हैं, ये पहली पतंग हमने लूट ली है। कारियर का नाम किसी का नहीं, लेकिन हाँ पौनी पतंग है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और ही पतंग आएंगी कट के दिखाता हूँ पीछे से। अब एक नहीं यार, दो दो पतंगें कट के आ रही हैं फिर से, आ जा, लेकिन उधर ही गिर गई पतंग। थोड़ा सा आ जा, थोड़ा सा और, अगर नीचे भी गिरती है पेड़ के पास तो भी मैं इस पतंग को लूट लूँगा। नहीं 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 थोड़ा सा आ गया यार, गिर गई पहले। एक और है, एक तो गई, और दूसरी पतंग इस बंदे ने लपेट ली। तो किस्मत ख़राब है अपनी, आज पूरी पतंग अपने छत के ऊपर आ ही रही है, लेकिन कोई ना कोई उसे लपेट के ले जा रहा है। देखो वो वाली पतंग भी निकल गई फाइनली। भाई एक पतंग देखो वहाँ से कटी और सामने पेड़ में गिरी। ये पेड़ मुझे बहुत फ़ायदा देते हैं, इतना पतंग गिरती है तो नीचे रोड में नहीं गिरती है, और रोड में नहीं गिरती तो कोई बच्चा इसे लूटता नहीं है। और मेरे सर के ऊपर एक और पेज चल रहा है, पहले करता हूँ पेज पे फोकस, फिर आपको लूट के दिखाता हूँ। इधर देख लो काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी, ये बंदे तो लड़ाई नहीं रहे। चलो अपनी वाली पतंग को निकालते हैं, ये रहा डंडा, ये बंदरों के भी काम आता है और पतंग लूटने के भी काम आता है। अब ये नीचे गिर गई, बहुत ध्यान से हमें इसके कन्नों के पास ही डालना है। ये गया, और ये पतंग आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो ये रही, इसमें स्टिकर भी लगे हैं किसी के, मैं स्टिकर मुझे पता नहीं है फिलहाल, आप ऊपर भी देख सकते हैं। ये पतंग काट दी देखो उसने, वो कट के जा रही है, मतलब बेसुमार काइट फाइटिंग हो रही है यार, आ रही है जा रही है, मतलब अलग ही लेवल का काइट फाइटिंग है। पतंग है आपकी गगन फैंसी काइट मेकर की, अच्छा इनकी शॉप में कवर करता रहता हूँ, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग देख सकते हो। ये पतंग हमने लूटी है अद्दी पतंग, इससे पहले वाली पौनी थी लेकिन ये वाली अद्दी पतंग है। और जो पतंग अभी कटी थी वो आगे निकल गई, आगे वाले मोहल्ले में चले गई वो।
घूम घूम के जा रही है। जब भी पतंग ऐसे घूम के जाना तो उसमें डोर बहुत होती है, ये बात का आप ध्यान रखना। तो पतंग हमने लूट लिया ली, अब खाली काइट लूटिंग की वीडियो बनाएंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने सोचा यार हवा अच्छी है तो काइट फाइटिंग भी कर लेते। ये डोंगा पतंग रक्षाबंधन की रखी है अभी तक और ख़त्म ही नहीं हो पाई। रक्षाबंधन में इतनी ज़्यादा मैं लेकर आ गया था ना कि अभी तक ये पतंग ऐसी चल रही मेरी। लेकिन पतंग में यार इतना मज़ा दे रही ना ये, आप लंबे पेज में उड़ा दो इसे, एकदम पौनी पतंग का काम करती हैं। क्योंकि ठंडा इसमें लगा है पौनी का और कमान लगी अद्दी की, और देखने भी काफ़ी अच्छी लगती हैं पतंग। तो करते हैं अली पतंग को पार खींच के देखूँ, एकदम बढ़िया। चलो भाई दिखाते हैं इससे काट के। अब हमने पतंग पहुँचा ली एकदम पेज में और हवा का ये सीन था, अभी तो काफ़ी अच्छी चल रही थी लेकिन एकदम से हवा बैठ गई। तो रेड सर्किल मेरी पतंग ऊपर चढ़ा रहा हूँ मैं, और नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से। पतंग मेरी काफ़ी ज़्यादा भारी है तो झोल मुझे एकदम टाइट रखना है। ये गद्दा बना मैंने अंदर का गिरता हुआ, उसने पतंग बाहर की खींच के रोक ली। आजकल ना ये बंदे बहुत मतलब एक्सपर्ट हो गए मेरी वीडियो देख देख के। अंदर का मैं रुक रखता हूँ ना तो ये एकदम से पतंग रोक लेते हैं वहीं पर और मेरी पतंग वहीं फिसल जाती है। अब इनके सामने मुझे ताकत का खेल खेलना पड़ेगा, उसके आगे तो कोई जीत ही नहीं पाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, पहली पतंग लड़ाई थी वो कट गई, और मेरे सर के ऊपर भी एक पतंग अभी लड़ी थी, उसका डोरा देखो यहाँ से जा रहा है, बच्चा उड़ा रहा है पीछे से। तो मैंने कहा यार चल तू खींच ले, और उस बंदे ने मेरी पतंग काटी है। डोरा आप देख सकते हैं ये जा रही है, और इसकी सद्दी कटी है। हाँ सद्दी कटी देखो, मां जा भाई थोड़ा ज़्यादा ही बांधा करो, सद्दी मत कटवाया करो। अभी आप देखना ये देखो सद्दी कटी ना इस बंदे की। चलो कोई नहीं, अपनी पहली पतंग कटी है, दूसरी पतंग हम कौन सी रेडी करें। हाँ ये रही एक, ये भूत वाली, ये बहुत ज़्यादा भारी पतंग है। और दिखाऊँ एक ये आँखोंदार जो है, एक ये ग्रीन वाली नीचे से, आँखोंदारी मुझे काफ़ी ज़्यादा भारी लग रही है, और ये भी भारी है। सारी भारी पतंग यार, हवा हल्की बैठ गई है, और एक पतंग ये तैयार करके रखी मैंने। तो देखते हैं कौन सी पतंग लड़ाता हूँ, दिखाता हूँ फिर। तो ग्रीन वाली पतंग हमने पार कर ली है, तो रेड सर्किल मेरी पतंग है नीचे से, और हवा एकदम बंद हो गई है इस समय। और ब्लू सर्किल हमारे अपोनेंट की पतंग है, ये बंदा राइट हैंड साइड से लड़ा रहा ऊपर से। हवा इतनी ज़्यादा कम है कि मेरी पतंग का झोल ही मेंटेन नहीं हो पा रहा है। रखा उसने गद्दा मैंने अंदर खींच दी, और अंदर का खींच के डोर फेंक के याला पेच काट दिया। जब भी हल्की हवा हो ना अंदर की, अगर आप पतंग खींचोगे ना तो ऊपर वाला का पतंग रोकता भी तो भी उसकी पतंग कट जाएगी वहाँ पे, क्योंकि हवा है नहीं तो उसकी डोर आगे नहीं जाएगी। तो हल्की हवा में यूज करा करो, अंदर का खींच दिया करो, आराम से पतंग काट दोगे। चलो भाई एक और पेज चल रहा है, आपके ऊपर का पेज ले रहा हूँ, और आज का ये लास्ट पेज है। सारी पतंगें उतर गई हैं और हवा बिल्कुल नहीं है। रेड सर्किल मेरी पतंग के ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट है ब्लू सर्किल से, ये बंदा भी लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। और जहाँ तक उम्मीद है मेरी ही पतंग कटेगी, हवा लग नहीं रही है, पतंग बहुत ज़्यादा अजीब सी है मेरी, कन्ने बहुत ज़्यादा आगे हो गए, तब भी कोशिश करते हैं काटने की। बनाया गया था अंदर गिरी, और देखो जैसा कि मैंने कहा था पतंग पहले ही बता देती कि मैं वो काम नहीं कर पाऊँगी जो आप करवाना चाह रहे हो, और इसीलिए मैंने कह दिया था पहले ही कटने वाली है पतंग ये।